जय हिंद दोस्तों, भाग्य पीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 21 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पर्यावरण और बाल विकास के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन हमें अभी तक मिल पाए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल में अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस क्या है। क्वेश्चन आया था ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस एक इमारत है, इसको ग्लास हाउस भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आया था ग्रीन हाउस क्या है या इससे रिलेटेड ही कुछ आया था। तो ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस एक इमारत है, इसे क्या कहा जाता है, ग्लास हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवयान चीन द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, 2022 में किया जाएगा। इसे सेंझोव 12 के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ है दिव्य पोत। यह 11 मिशनों में से तीसरा होगा जिन्हें चीन द्वारा 2022 तक अपने आंतरिक स्टेशन को पूरा करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। 11 में से 4 मिशन ऐसे होंगे जिनमें लोग सवार होंगे। इस तरह कुल 12 चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे सफल विकेटकीपर कौन है, तो सबसे सफल विकेटकीपर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। ये कहाँ के हैं, इंडिया के हैं और ये भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी अथवा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म रांची झारखंड में हुआ। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका, पद्म भूषण, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग की उत्पत्ति होती है, तो संवेग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मूल प्रवृत्ति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रेरणा कौन है, तो अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रेरणा ई.एल. थाइडाइक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई.एल. थाइडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन की मानचित्रण संबंधित है, मन की मानचित्रण किससे संबंधित है, मन की क्रियाशीलता से। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षा के एक वातावरण की उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, तो खोज की प्रोत्साहन देता है, तब ये क्या बनाता है, अधिगम के सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या अनुमान और नियंत्रण किसके लक्ष्य हैं, तो किसके लक्ष्य हैं, वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। किसी बालक की अध्यक्ष की विधियाँ वैसे कौन सी प्राचीनतम विधि हैं, तो कौन सी प्राचीनतम विधि है, अंतर्दर्शन प्राचीनतम विधि है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के क्रम में बालक कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा, तो कौन सी क्रिया बालक पहले करता है, आत्मसात की क्रिया बालक पहले करता है। धन्यवाद दोस्तों, जो क्वेश्चन हमें मिल पाए अभी तक हम उनको आपको बता दिए हैं।